राजस्थान की जनता 25 नवंबर को मतदान करके अगले 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनेगी। मतदान से पहले मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। पिछली कड़ी में हमने बात की थी गंगापुर विधानसभा सीट की, आज हम बात करेंगे केकड़ी विधानसभा सीट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के जातिगत समीकरण के बारे में। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीट पर लगभग 2,59,891 मतदाता है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। इस बार होने वाले चुनाव में बीजेपी ने शत्रुघ्न गौतम पर दाव खेला है, तो वही कांग्रेस ने डॉक्टर रघु शर्मा को मैदान में उतारा है। इस सीट पर ब्राह्मण वोटर्स की संख्या करीब 30,000, बनिया वोटर्स की संख्या करीब 25,000, गुजर वोटर्स की संख्या करीब 18,000, मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 22,000, राजपूत और दरोगा वोटर्स की संख्या करीब 30,000, SC/ST वोटर्स की संख्या करीब 40,000 और जाट वोटर्स की संख्या करीब 22,000 है। वही अगर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर कुल 2,43,987 मतदाता थे जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार रघु शर्मा को 95,795 वोट देकर जिताया था, जबकि बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र विनायक के खाते में 76,334 वोट आए थे और उन्हें 19,461 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां 75% मतदान हुआ था। वही अगर 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां से बीजेपी उम्मीदवार शत्रुघ्न गौतम ने जीत हासिल की थी और उन्हें 71,292 मतदाताओं का समर्थन मिला था। वही कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर रघु शर्मा को 62,425 वोट मिल पाए थे और उन्हें 8,867 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। केकड़ी विधानसभा सीट अजमेर जिले की सबसे हॉट सीट है। इस क्षेत्र के वर्तमान विधायक कांग्रेस पार्टी से रघु शर्मा है। इस बार केकड़ी विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये तो जनता ही तय करेगी। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।